वहीदा जी से बात करते समय पता चला कि इनका नाम इनके प्रोड्यूसर्स गुरुदत्त साहब बदलना चाहते थे कुछ और रखना चाहते थे मैंने okay. सुना कि आपके भी प्रोड्यूसर एस मुखर्जी और दिलीप कुमार साहब आपका नाम चेंज करना चाहते थे जी रोज शाम को फिल्मालिया में ये लोग बैठते थे और फिर बात निकली तो कहा कि ये आशा पारे का नाम कुछ अजीब सा लगता है लगता है जैसे कोई मिल्की एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं यू नो तो इसका नाम चेंज कर देते हैं आशा परी कर देते हैं ओह माय गॉड तो मैंने जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा आशा परी कुछ अजीब सा लगता है मम्मी ने कहा नहीं नहीं आशा पारे की रहेगा uh. तो फिर मुखर्जी साहब से कहा कि नहीं भाई हमको अपना नाम नहीं बदलना है आशा पारेख है आशा पारे की रहेगा ये बताइए रोमांस हमारी फिल्मों का एक बहुत अहम इमोशन रहा है जब आपकी फिल्में होती थी तो रोमांस का एक अलग मायने होता था और अब रोमांस के शायद अलग मायने वट हैज चेंज वट हैज चेंज आशा जी आपके हिसाब से रोमांस वॉज मतलब जिस तरह से आजकल रोमांस होता है वो बिल्कुल खुला रोमांस होता है हुँ. उस वक्त आंखों आंखों में ही होती थी बातें और द रोमांटिक सीन्स वर रिटन इन दैट वे ये अलग टाइप से लिखे जाते थे हुँ. अलग तरह से पिक्चराइज किए जाते थे हुँ. उसमें एक ठहराव था एक इमोशनल पीछे से मतलब फीलिंग्स हुआ करती थी क्योंकि डायलॉग्स ऐसे होते थे जी। तो काफी डिफरेंट लगता है अब की बात अब का रोमांस और उस वक्त का रोमांस